access to Jesus brings humility, brings out generosity. यीशु मसीह के करीब रहने से, यीशु मसीह एक बार जक्कई के घर आया और जक्कई कहता है उसको अपने पाप का एहसास हुआ, उसने अपने आप को यीशु मसीह के उजाले में देखा और वो कहता है, प्रभु आज तक अगर मैंने किसी को धोखा दिया है मैं उसको दुगना लौटाता हूँ, मेरी आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूँ। जेनरोसिटी, करेक्शन, सी एक्सेस टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड शुड कॉज अस टू मेंड आवर वेज। दैट्स हाउ वी प्रोटेक्ट इट, दैट्स हाउ वी प्रोटेक्ट दैट एक्सेस। क्या कहा यीशु मसीह ने जब जक्कई ने उससे बातें की? When Zacchaeus said, Lord, if I have duped somebody, I give them back multiple folds. Half of my wealth I give to the poor. What did Jesus say? Salvation has come to this house. And salvation is who? Salvation is Jesus. You know, there was a centurion who said, my servant is sick. याद है वो सूबेदार जो यीशु के पास आता है, कहता है कि मेरा जो सेवक है वो बीमार है। यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरे घर आता हूँ। एंड ही सेज नो लॉर्ड, नो, आई एम नॉट वर्दी दैट यू कम अंडर माय रूफ। जीसस इज गिविंग हिम एक्सेस। यीशु मसीह कहते हैं मैं आता हूँ तेरे घर। यीशु मसीह उसे ये जो मौका है दे रहे हैं, एक करीबी उसको दे रहे हैं। कहता है नहीं प्रभु, आप मेरे घर नहीं आ सकते, मैं इस योग्य नहीं हूं। आप सिर्फ बोल दीजिए, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। दिस कॉन्वर्सेशन विद जीसस एंड द थिंग्स दैट ही हैड हर्ड अबाउट जीसस गेव हिम अ रेवलेशन ऑफ हु जीसस इज एंड व्हाट जीसस अथॉरिटी इज। कैन यू इमेजिन दिस? द प्रॉक्सिमिटी, एक्सेस टू जीसस शुड ओनली इंक्रीज our revelation of who Jesus is and what his authority is, and that should bring in humility. That is why I said when we come close to Jesus we should see ourselves in the light of who he is. जब वो सुबेदार यीशु से बातें कर रहा है, उसने यीशु मसीह के बारे में गवाहियां सुनी हैं, बातें सुनी हैं, चमत्कारों के विषय में सुना है, यीशु मसीह से एक बातचीत में वो ये तय कर लेता है, उसे इस बात का एहसास हो जाता है, वो ये कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आएं, आप सिर्फ बोल दीजिए, यहीं से बोल दीजिए और मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है। ही हैड अ रेवलेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ जीसस because of that one conversation. And Jesus says, no, I know, I have not seen faith like this, even in Israel. कहता है, ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा, ऐसा विश्वास तो मैंने अपने लोगों के बीच नहीं देखा। बिकॉज हु वाज ही वाज अ रोमन सेंटूरियन, वो एक रोमन सूबेदार था, नॉट जूश, इट्स अ रोमन गाय। एक्सेस, प्रॉक्सिमिटी टू जीसस ब्रिंग्स अ रेवलेशन, एंड दैट रेवलेशन should cause humility, should tell us who we are and who he is. And when we live that way, we protect that access. Hallelujah. See, the disciples were, you know, for the longest time, till the time Jesus was not taken away from them, they did not understand him fully. There was so much ignorance even in the disciples. चेलों के अंदर इतनी नासमझी थी यीशु मसीह के ओहदे, उसके सामर्थ को लेकर, यीशु मसीह के चले जाने तक भी वो नहीं समझ सके। At one place, when children were trying to come close to Jesus, they were stopping children.
बच्चे यीशु मसीह के पास आने की कोशिश कर रहे हैं और चेले उन्हें रोक रहे हैं कि नहीं, हम यीशु के करीब हो सकते, तुम नहीं। The access that you have should cause you to bring more people to Jesus rather than stop people from coming to Jesus. जो रास्ता हमारे लिए खुला है, जो हमने यीशु मसीह के विषय में जाना है, जो यीशु मसीह के बलिदान को हमने समझा है, उस कारण जो मुलाकात हम बार बार यीशु मसीह के वचन से करते हैं, हर दिन उसके उपस्थिति का हम आनंद उठाते हैं, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ आर प्रॉक्सिमिटी, बिकॉज ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु ही इज, व्हाट ही हैज डन, बिकॉज ऑफ द एक्सेस वी हैव रिसीव्ड, वी शुड कॉज पीपल टू कम टू हिम rather than causing people or rather than stopping people from coming to him. And that is why the woman at the well is so important. इसलिए वो स्त्री जो कुएं पर यीशु मसीह से मुलाकात करती है वो इतनी जरूरी है. She, Jesus gave him, her access to himself. Where Jewish men would not talk to Samaritans, Jesus is talking to this woman. जहां यहूदी सामरियों से कोई नाता नहीं रखते, यीशु मसीह स्त्री से बात करते हैं, उसे करीब अपने आने का अनुमति देते हैं. और उस कारण क्या होता है, अब ये स्त्री अपने आप को यीशु मसीह के उजाले में देखती है. This woman starts seeing herself in the light of who Jesus is. She realizes who Jesus is. She goes to her village and says, I have met a man who's told me everything about myself. Wouldn't this be the Messiah? And she calls the whole village. My access to Jesus should cause me to bring others to him. Hallelujah. मुझे जो रास्ता मिला है, ये सारी बातें होती हैं जब हमें अनुमति मिलती है, जब हमें एक्सेस मिलता है. दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स, ये सिर्फ थोड़े उदाहरण हैं. ये बातें होती हैं जब हम उसके करीब आते हैं. एंड वी गॉट टू प्रोटेक्ट आवर हार्ट्स फ्रॉम थिंग्स दैट कैन कॉज अस टू लूज दैट एक्सेस एंड नर्चर थिंग्स that will cause this access to grow stronger and our revelation of him growing and causing others to come and benefit. One woman caused a whole town to come to Jesus. We have access to the presence of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी आवाज, द पावर, उसके सामर्थ को पाने का अनुमति, मौका मिला है. उस स्त्री को एक मुलाकात मिली थी और उसने पूरा नगर यीशु के पास लेकर आया. हु आर वी ब्रिंगिंग क्लोज टू जीसस? आर वी ब्रिंगिंग ईच अदर क्लोज? आर वी कॉजिंग डिविजन्स? व्हाट आर वी डूइंग विद दिस एक्सेस? दिस इज हाउ, बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन दीज थिंग्स, वी प्रोटेक्ट द एक्सेस वी हैव रिसीव्ड. इन बातों पर ध्यान देकर हम इस रास्ते को सुरक्षित रख सकते हैं जो हमारे लिए खुला है. यू नो, टू थिंग्स, दो चीजें, टू थिंग्स दैट विल इंश्योर दैट वी डोंट लूज दिस एक्सेस. नंबर वन इज ऑनर. And we so honor, not to receive something, but so honor into who the person is. जब हम आदर बोते हैं किसी में, कुछ पाने की इच्छा से नहीं, पर वो व्यक्ति जो है उस कारण से, जब हम आदर बोते हैं, it opens doors for us. You remember the woman in the Old Testament who said, "I see that this is a prophet who comes to our town. I want to build a house. I will build a separate room for him. I'll put in a table and a chair and a lamp so that when he comes, he stays here." That was genuine honor for the man of God that she showed.
उस स्त्री कहती है कि मैंने इस नबी को देखा है जो यहाँ आता है। वो अपने पति से कहती है चलो हम उसके लिए एक कमरा बनाते हैं, वहाँ पर हम एक बिस्तर बना देंगे, एक टेबल, एक कुर्सी, हम एक दिया रखें ताकि जब कभी प्रभु का दास इस नगर में आए वो यहाँ आराम कर सके। What did that do? She sowed honor and gained access. उसने आदर बोया और एक खुला दरवाजा उस नबी तक पहुंचने का पाया। Honor. What did the woman do? The Simon the Pharisee did not kiss Jesus, did not pour oil on his head, but the woman who was crying at his feet poured perfume, wiped his feet. She asked nothing. She was just worshiping Jesus there. वो यीशु मसीह की आराधना कर रही थी। She was so full of gratitude, and that's the second thing. First is honor, and second is gratitude. आदर और धन्यवाद का हृदय, जो दरवाजा हमारे लिए खुला है, the access that we've received, it will protect it. We know that this woman who was at the feet of Jesus crying followed Jesus till the cross and even after it. हम जानते हैं कि ये वो स्त्री है जिसने यीशु मसीह का पीछा कभी नहीं छोड़ा। ये वो स्त्री है जो क्रूस के बाद भी उस बंद कब्र के सामने खड़ी रही। Jesus gave her access to himself even after he was resurrected from the dead. That's what gratitude does. My spiritual father always says, gratitude will increase what you already have. धन्यवाद हृदय, मेरे आत्मिक पिता हमेशा ये कहते हैं कि जिन बातों के लिए आप धन्यवादित हो आपके जीवन में वो बातें बढ़ती हैं। My prayer, our prayer is and should be that we, by the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम आदर बोते रह सके और धन्यवादित हृदय अपने अंदर बनाते रख सके निरंतर, ताकि उसकी उपस्थिति हमारे जीवनों में और बढ़े, उसकी करीबी हमारे जीवन में और बढ़े। The Bible says, the kingdom of God is like a man who found a hidden treasure in the piece of land. And for that, he sold everything and bought the land. परमेश्वर का राज्य, वचन ये कहता है, उस व्यक्ति के समान है जिसे खेत में गड़ा हुआ धन मिला और उस धन के लिए उसने क्या किया, उसने अपना सब कुछ बेच दिया और वो खेत खरीद लिया। The access to the presence of God is that valuable that we should be willing to give away everything to have a minute, a moment in the audience of our King. That's how valuable this access is. ये करीबी उसकी इतनी कीमती है कि हमारा सब कुछ देने के बाद अगर मुझे केवल एक क्षण उसकी उपस्थिति का, उसकी करीबी का मिल जाए तो मेरा सब कुछ उसके सामने बहुत छोटा होगा। And this has been given to us without cost by the blood of Jesus. और ये access, ये करीबी उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के कारण हमें मुफ्त मिली है। The least we can do is protect it, understand it better. Thank you for watching the video. We hope you were blessed. Do like, share and subscribe, and don't forget to leave a comment below. God bless.